What's up guys, welcome back to Nitesh Media। आज हम देखने वाले समित पात्र सर की डिबेट, थग लाइफ होने वाली है। टाइटल काफी इंटरेस्टिंग है, समित पात्र ने तो आज रुला ही दिया भाई। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं फनी डिबेट। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और जितना हो सके शेयर। 1 2 3 लेट्स गो। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है इतना जोर जोर से कैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं। अंजना जी, 40 सीट लेके आए थे। बात करी जाएगी तो मैं लगातार बीच में बोलूंगी। अंजना जी, जरा इनके अंजना जी, जरा इनके आवाज कम करिए। अंजना जी के बारे में कुछ बोलेंगे जी, सब क्या है, क्या है? प्लीज इसको पर्सनल मत बनाइए। प्लीज मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। अरे मत सुनना, टूट के चले जाइए। मैं कह रही हूं सरकार है, आई विल कमिंग है। पहले कम टू द सरकार। सरकार तो जीती है एकाद सब डिबेट में। कमिंग सरकार ने गोइंग यहाँ कमिंग। रुकिए, शांति से सुनिए पहले मेरी बात। हल्ला गुल्ला मत मचाइए। ये जो अहंकारी नंबर एक है ना आप, आपके कारण तो आधा वोट तो आपका कटता है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे सुप्रिया सिंह ने तो संबित जी के बीच में डिबेट हो रही होती है, तभी संबित पात्रा द्वारा राहुल गांधी के विदेशी दौरे का जिक्र करते ही सुप्रिया जी भड़क जाती है और संबित जी के बीच में कूद पड़ती है। वही संबित जी ने उन्हें उसी अंदाज में लताड़ दिया जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ा पुराना जरूर है पर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। संबित जी, ईडी का प्रताप है और वैसे भी आपके पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें सब धुल जाते हैं, गंगा नहा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेचारे अब कांग्रेस वाले, इसमें भी वो राहुल गांधी का चल रहा है ना ईडी में, नेशनल हेराल्ड स्कीम में, जिसमें उन्होंने वो 2000 करोड़ का घपला किया था, तो बेचारे इसी का भी गाना गा रहे हैं ईडी ईडी ईडी। अब बेचारे कांग्रेस वाले क्या करेंगे बताइए। मुफ्त का एटीएम कार्ड मिला था, छिन गया है एटीएम कार्ड। अब ये राहुल गांधी जो थाईलैंड बैंकॉक जाते थे, कम हो जाएगा एक आध ट्रिप तो गुस्सा तो होगा। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है इतना जोर जोर से कैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं। अंजना जी, 40 सीट लेके आए थे। बात करी जाएगी तो मैं लगातार बीच में बोलूंगी। अंजना जी, जरा इनके आवाज कम करिए। अंजना जी के बारे में कुछ बोलेंगे जी, सब क्या है, क्या है? विदेशी दौरे का जिक्र करना कैसे अनपार्लियामेंट्री हो गया? एक सेकंड सुप्रिया जी, उनके विदेशी दौरे का जिक्र करना अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? यू रियलाइज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से? अनपार्लियामेंट्री क्या है, ऐसा क्या करते हैं? विदेशी दौरे का जिक्र आप भी तो करते हैं प्रधानमंत्री का। यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करा रहे हैं। ठीक है, तुमको जवाब देने दीजिए ना। वो सिर्फ उनके विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। अगर एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री होगा तो सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। सुप्रिया जी मैं रोकूंगी अनपार्लियामेंट्री। ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगी, एक्सप्रेशन देख फेस के। ठीक है, ठीक है, जवाब सुप्रिया जी, अगर एक भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड होगा तो मैं बोलूंगी। वो शिवसेना डील करेगी। अंजना जी, पहले तो अंजना जी देखिए, एक सभ्य डिबेट हो रहा है, ये इस प्रकार से हेडमास्टर की तरह बिहेव करना बंद किया। तकलीफ है इनको, मैंने 3-4 मिनट सुना। आप सब डिबेट करने के लायक हैं सुप्रिया जी, प्लीज प्लीज इसको पर्सनल मत बनाइए। प्लीज प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज, ये लड़ाई झगड़ा क्या है, शांति से टॉपिक पे। आई विल नॉट कीप क्वाइट। विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं, पूरा मैं जवाब दूंगी आपसे सुप्रिया जी, मेरा वादा है, मैं जवाब दूंगी, रुक जाइए सुप्रिया जी, प्लीज मैं जवाब लूंगी आपसे। प्लीज मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। मतलब कुछ भी सुप्रिया जी, मेरा भी बात आया आपसे। प्लीज मेरे लिए सुप्रिया जी, आपत्तिजनक कितनी खींच रही है सुप्रिया जी, प्लीज यू आर एन एंकर, आई एम नॉट। मैंने आपको बोलने दिया है, लीव द डिबेट प्लीज। प्लीज प्लीज मैंने क्या बोला सुप्रिया जी, डिबेट में मैंने क्या बोला? सुप्रिया जी आपत्तिजनक बात, समित जी को दिखाई मेरे साथ, समित जी बात आपत्तिजनक, मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगी। मैं कह रही हूँ दिस इज नॉट राइट। नहीं नहीं, अगर वो विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं है। अगर आपको बोला आप जवाब दीजिएगा, मैं फौरन इसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन बहस होने दीजिए। समझ चलो भाई, देखिए अंजना जी, सरकार क्यों गिरती है और कांग्रेस पार्टी की जो आज हालत है और शिवसेना की भी जो आज हालत हुई है, ये क्यों हुई है उद्धव ठाकरे जी की, संजय राउत जी की, ये उनके प्रवक्ताओं के व्यवहार से ही मालूम पड़ जाता है। अब देखिए, आज कम से कम इस प्रकार से घमंड जिस प्रकार से इनका बढ़ता जा रहा है, नहीं हाथ में ना 3 में ना 13 में है, मगर इस प्रकार चिल्लाते हैं आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक, आई विल स्टॉप एवरीथिंग, मैं एकदम प्लानेटरी सिस्टम को, ठीक है, नहीं मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ, ये घमंड जो था शिवसेना का और ये कांग्रेस। लेकिन प्रभु संबित जी, प्रभु एक सेकंड समझाइए ना जरा, ये जो लिमरिडियन सूरत, ये जो रेडिसन ब्लू गुवाहाटी, ये जो ताज पणजी, ये सब कौन करा रहा था? ठीक है सर, सुनिए, देखिए अंजना जी, आप सोच के देखिए, आप भी जानती हैं अंजना जी, ये शिवसेना के अंदर जो उस समय का शिवसेना था उसके अंदर, ये शिंदे जी ने भी कहा है और बाकी जो बागी एमएलए उनके रहे हैं शिवसेना के, उन्होंने खुद कहा है कि हमें दुख हो रहा है, हम कोई ठाकरे जी के खिलाफ नहीं है, मगर जिस शिवसेना की परिकल्पना बाला साहेब ठाकरे ने किया था, मगर उद्धव जी ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, आप बुरा मत मानिए, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूं, मगर हकीकत यह है महाराष्ट्र एक बहुत सशक्त राज्य है, ये पेज 3 की सरकार वहां नहीं चल सकती है। और मैं यहां आपको बता रहा हूं, वहां जो आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी दोनों बराबर है,
फर्क सिर्फ इतना है कि आदित्य ठाकरे वॉज द राहुल गांधी और शिवसेना, और संजय राउत जो है इन सब ने मिलकर जो खिचड़ी पकाई आज उनको भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल हकीकत बता, और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है सबर गुरु जनता को बस वो खत्म करें, मैं नो नो यू डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन, राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन, आई विल कम इन, आई विल कम इन, पहले कम इन सरकार, पहले सरकार तो जीती है एकाध सब डिबेट में, कमिंग कमिंग सरकार में गोइंग गोइंग यहाँ कमिंग कमिंग, रुकिए शांति से, शांति शांति से सुनिए पहले मेरी बात, हल्ला गुल्ला मत मचाइए, ये जो अहंकारी नंबर एक है ना आप, आपके कारण तो आधा वोट तो आपका कटता है। अब बात समझ में आती है, अब चुप रहिए। देखिए अंजना जी, पहले तो इन्होंने कहा जनता को मूर्ख मत समझिए, हम जनता को मूर्ख नहीं समझते, किसको मूर्ख समझना है हम जानते हैं और कौन मूर्ख है ये भी हम जानते हैं, और उस जनता कभी मूर्ख नहीं हो सकती। ये जो लोग मूर्ख हैं और जिनको लगता है कि वो सत्ता चला सकते हैं, जिनको लगता है वो डिक्टेशन कर सकते हैं, उनको भुगतना। अरे मैंने कहा कौन लोग मूर्ख थे, इनको क्यों लगता है कि इनके नेता को कह रहा हूँ, नाराज हो रही है। बीच में किसी ने नहीं बोला था सुप्रिया जी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आप दूसरों के बीच में बोल रही हैं। मैं वादा कर रही हूँ मैं आपको मौका दूंगी इसके बाद, प्लीज बारी बारी से बहस होगी, नहीं उनको पूरा करने दीजिए, ये मैं तय करूंगी सुप्रिया जी, प्लीज संभी जी बात पूरी कीजिए प्लीज सुप्रिया। देखिए अंजना जी, यहाँ गोवा का जिक्र हुआ, आप अंजना जी आप याद होगा गोवा के समय हमने डिबेट किया था, गोवा के पहले, इससे पहले वाले विधानसभा के समय इनके नेता दिग्विजय सिंह जी समुन्द्र के किनारे मछली खा रहे थे, ये न्यूज आप लोगों ने दिखाया और वहां सरकार बन गई। आपको क्या लगता है ये देश ऐसे ही चलता है? अगर अवेयरनेस नहीं है, चौकन्नापन नहीं है, समर्पण नहीं है, आपको लगता है सरकारें चलती हैं? नहीं। और अभी देवेंद्र फडणवीस जी के विषय में कांग्रेस की प्रवक्ता को दया आ रही थी, मैं आपको बताता हूं दया किस पे आनी चाहिए, दया सचिन पायलट पे आनी चाहिए जब अशोक गहलोत कहते हैं ये तो निकम्मा है, ये तो नकारा है, और सचिन पायलट निकल कर कहते हैं कि अशोक गहलोत जी आप मुझे निकम्मा नकारा क्यों बोलते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की महानता को देखिए, हमारे लीडर्स की महानता को देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के सीएम बने, सर्बानंद सोनोवाल जी मुस्कुराते हुए हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के सीएम बने, एक दिन लड़ाई हुई, आज देवेंद्र फडणवीस जी ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया कि सिंधे जी सीएम बने, ये है फर्क, ये है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फर्क। ऐसा दृश्य कभी आप कांग्रेस पार्टी में सोच सकती हैं? आए हाय हाय हाय। कि मुस्कुरा करके दिग्विजय सिंह जी कहेंगे कि कमलनाथ जी सीएम बन जाए, मुस्कुरा करके अशोक गहलोत कहेंगे कि सचिन पायलट सीएम बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। और यहाँ पर इतनी जोर जोर से चिल्ला कर ये अहंकार की भाषा, मैं आज कहता हूं इन लोगों ने इतने लोगों के खिलाफ FIR किया, अभी एक मूवी एक्ट्रेस को 40 दिनों के लिए जेल में बंद रखा, हजारों लोगों के खिलाफ FIR किया, लोगों के घर तोड़ करके लोगों को कहा कि उखाड़ दिया, आज इनका घमंड उखड़ा है, आज इनका घमंड टूटा है, और याद रखिए घमंड तो रावण का भी टूटा था, कभी घमंड को महादेव पसंद नहीं करते। बाय बाय टाटा। वैसे संबित जी ने जाते जाते तो अच्छे से आईना दिखा दिया और उन्हें अपने ही अंदाज में समझा दिया, जिसके लिए वो वैसे ये चीज तो हमने देखी है कि समय बता रहा है जिस टाइम पे जब बोलते हैं ना जो भी चीज वो फन वे में कन्वर्ट कर देते हैं, सार्केस्टिकली वो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, जो फनी मोमेंट्स रहते हैं इनके वीडियो में वो चार चांद लगा देते हैं। हाँ। और हल्की स्माइल रख के मैं कमिंग कर रहे हैं, पहले सरकार में तो आई कह रहे 40 सीट लेके, तो ये चीज होती है, ये वीडियोज हम लाते हैं आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट के लिए। तो भैया मुझे तो ये लगता है कि जैसे सुधांशु सर हैं वो बहुत फैक्टफुल बातें करते हैं, सीरियस होके, तो सर यहाँ पर बातें करते हैं लेकिन यहाँ पर मस्ती वाला माहौल बना के, तो ये चीज स्टाइल पसंद आता है। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो जरूर बताना, बाकी हो सके तो जितना शेयर कर दे ताकि और लोगों तक पहुंचे, और वीडियो को कर दे लाइक। नेक्स्ट आप चाहते हैं किसकी थग लाइफ पे हम रिएक्ट करें या फिर डिबेट पे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।